نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله آج ہم لیسن نمبر 13 13वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है موصوف صفت موصوف صفت یہ کمپوننٹس کے نام ہیں ہم اس چیپٹر کو ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں या मुरक्कबे तौसीफी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को नाम का भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी है फ्रेगमेंट नंबर 4। हम 4 अब तक फ्रेगमेंट्स पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंट्स यानी जो के सेंटेंस से कम है और लफ्ज से यानी वर्ड से ज्यादा है, यानी वो पूरी जिसमें बात जो है नामुकम्मल रह जाए, जिसके अंदर आइडिया नोशन जो है इनकम्प्लीट हो, तो उसे कहा जाएगा फ्रेगमेंट, या फिर हम उसे कह सकते हैं मुरक्कबे नाकिस, या फिर हम कह सकते हैं उससे जुमला नाकिस। नाकिस यानी जिसके अंदर नुक्स हो, कमी हो, बात जिसमें पूरी ना हो रही हो, उसे कहा जाता है मुरक्कबे नाकिस या जुमला नाकिस। एक होता है जुमला ताम, ताम यानी मुकम्मल कम्प्लीट, तो कम्प्लीट होता है सेंटेंस और अधूरा होता है फ्रेगमेंट। तो 4 फ्रेगमेंट्स हमने, 3 फ्रेगमेंट्स पढ़ ली, आज चौथी है। पहली फ्रेगमेंट हमने पढ़ी थी इदाफा, और इदाफा के 2 अलग अलग और तरीके पढ़ लिए थे, इदाफा विद प्रोनाउंस एंड इदाफा मतलब अटैच प्रोनाउन के साथ हमने पढ़ा था, और एक स्पेशल मुदाफ पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने पढ़ा हरफे जर, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा हरफे नज़्म। ये 3 फ्रेगमेंट्स हमारी हो चुकी है। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे मौसूफ सिफा, या फिर हम इसे कह सकते हैं मौसूफ सिफत, या फिर हम कह सकते हैं मुरक्कब। मुरक्कब तो आप लोग जानते हैं, मुरक्कब यानी के जो एक एक से ज्यादा होगा, वर्ड जिसमें अल्फाज जिसमें एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा मिलके जो भी वर्ड्स बनते हैं उनको मुरक्कब कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। तो ये कंपाउंड तो है, लेकिन कौन से? तौसीफी कंपाउंड है, एडजेक्टिवल कंपाउंड है। तो खैर अभी तो हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा, इंशाल्लाह बात वाजह हो जाएगी। अभी नाम याद रखना है मुरक्कबे तौसीफी या फिर एडजेक्टिवल कंपाउंड। अब इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, हम पिछली फ्रेगमेंट को दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा था हरफ नज्ब, हरफ ऑफ नज्ब को हरफ मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं, या फिर एक्यूजेटिव पार्टिकल भी कहते हैं। हमने कहा था ये 4-5 नाम है, आप सारे नाम बस खाली एक मरतबा अपने जहन में रख लें, ताकि किसी भी नाम से आए आपको पता हो कि क्या ये चीजें हैं, ठीक है। इन्ना व इख्वातुहा भी कहा जाता है, इन्ना व इख्वातुहा यानी के इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स, इन्ना और उसकी बहनें, ठीक है, उसकी बहनें 5 बहनें, इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लकीना लाला, तो इन्ना इन्ना और उसकी 5 बहनें, यूं भी कहा जाता है इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स, इन्ना व इख्वातुहा, ये भी हम कहते हैं। दूसरा हरफ मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं, या फिर तीसरा हम हरफ नज़्ब लिल इस्म, हरफ नज्ब है लेकिन इस्म के लिए, ठीक है, यानी के हरफ नज्ब यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल फॉर इस्म नाउन, ये सारे नाम थे उसके। फिर हमने देखा ये 6 अल्फाज हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लकीना लाला, और इसके मीनिंग्स भी देखे हमने, इन्ना मतलब बेशक, अन्ना का मतलब होता है के, ये के दैट, और कभी कभी रैली बेशक का भी तर्जुमा आ जाता है अन्ना में। फिर का अन्ना जैसे जैसे के, क्योंकि अभी अन्ना का तर्जुमा हमने पढ़ा के, और हम पिछले हरफे जर में पढ़ाए हैं ब ता का फ्लाम वाव, का जैसे लाइक, तो का तर्जुमा हो गया जैसे, और अन्ना का हो गया के, जैसे के, गोया के, ठीक है, लाइक एज दो। लईता, लईता का तर्जुमा हो जाएगा काश, और लाकिन्ना मतलब लेकिन, लाकिन्ना भी होता है लाकिन भी होता है, तो लाकिन्ना मतलब लेकिन, और लाअल्ला का मतलब हो जाएगा शायद के, ताके, जिसमें उम्मीद हो, शायद के या फिर ताके।
तो ये हमने छह अल्फाज पढ़े थे। छेओ के छेओ का काम सेम है बिल्कुल, और वो क्या काम है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये हर्फ नज़्ब है, चूंकि ये हर्फ है पहली बात, तो हर्फ है तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एसएनजीटी, स्टेटस, नंबर, जेंडर टाइप, ना जिन्स है, ना वुसत है, ना एराब है, और ना ही इसका कोई अदद है, ठीक है। तो पहले तो उससे चीज से बरी हो गया ये हर्फ होने की वजह से। दूसरी बात, हर्फ का मतलब ये होता है जो फेल या इस्म पर मुनसर हो, यानी इस्म और फेल पर डिपेंड करता हो, यानी ये कभी भी हर्फ जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता जब तक कि वो किसी चीज पर डिपेंड ना हो जाए। अच्छा, अब हमने वो जो छेओ पढ़े थे, छेओ में से कोई भी एक ले सकते हैं हम। हमने यहाँ पर इन्ना का एग्जाम्पल लिया है, इन्ना, और फिर हमने देखा अल्लाहू। अब अल्लाहू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब कोई वर्ड बॉर्न होता है तो वो रफा के साथ बॉर्न होता है, तो अल्लाहू ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इन्ना प्लस अल्लाहू क्या बन जाएगा, क्योंकि ये इन्ना हर्फे नज्ब है, हर्फे मुशब्बा बिल फेल है, एक्यूजेटिव पार्टिकल है, तो ये अपने बाद के इस्म को या अपने इस्म को, अब वो बाद में इसके करीब हो या दूर हो, अपने अपने इस्म को इन्ना जो है, या अन्ना, या का अन्ना, लईता लकिन्ना लाला, ये छेओ के छेओ जो है ये अपने इस्म को क्या करते हैं, नज़्ब कर देते हैं, एक्यूजेटिव केस में ले जाते हैं। तो इन्ना बेशक, इंडीड, ये हरफे नज़्ब है, और उसके बाद लिखा हुआ है अल्लाहू। अगर ये इन्ना अल्लाह से मिल जाएगा तो बन जाएगा इन्ना अल्लाहू की बजाय इन्ना अल्लाहा, क्योंकि इन्ना था इसीलिए अल्लाहू बन गया अल्लाहा, और अल्लाहा क्या है, अल्लाहू रफा है, और अल्लाहा नज़्ब है, तो ये नज़्ब स्टेटस में चला गया, किस वजह से, इन्ना की वजह से। अब ये इन्ना की जगह हम अन्ना भी रख सकते थे, का अन्ना भी रख सकते थे, फिर कोई भी वर्ड छेओ में से कुछ भी आ जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है, नज़्ब स्टेटस में चला जाएगा इन्ना अल्लाह। फिर हमने ये इसके लिए चार्ट देखा था, वो चार्ट क्या था कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो अपनी हालतों को चेंज करते हैं, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर जो एक अहम पॉइंट याद रखने वाली बात थी, हमने देखा था कि हरफे जर जो कि 17 वर्ड्स हैं, उनके जो विक्टिम्स होते हैं, उनका जो इस्म होता है हरफे जर का, वो हमेशा 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 उसके पास होता है, उसके दरमियान में कोई भी नहीं आ सकता, हरफे जर और उसके इस्म के दरमियान कोई तीसरा वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही मुदाफ मुदाफिले का भी हिसाब था, उनके बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं आ सकता था, तो जर वाले का यूं मामला है कि उनके दरमियान कोई नहीं आ सकता, लेकिन हरफे नज्ब और उसके विक्टिम, यानी हरफे नज्ब और उसके इस्म के बीच में और कोई भी वर्ड आ सकता है, यानी इसका इस्म उसके पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, लेकिन हमने पहले पास वाले को तलाश करना है, फिर दूर की तरफ जाना है, तो इसका इस्म पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। फिर हमने ये देखा था कि जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं, जमीर मुत्तसिल, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा न की कुमा कुन्ना ये नी ना, ये जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो या तो हर्फ नज्ब होते हैं या जर होते हैं, तो नज्ब दो हालतों में होते हैं, जर दो हालतों में होते हैं। जब भी ये हर्फ नज्ब से अटैच होते हैं, जमीर मुत्तसिल हर्फ नज्ब से अटैच होंगे तो ये नज्ब हो जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हर्फ नज्ब से अटैच हो रहे तो नज्ब हो जाएंगे। इन्ना हु, इन्ना के साथ हु अटैच हो गया तो हु भी नज्ब हो गया, क्योंकि इन्ना नज्ब है। अन्ना, अन्नकुम, अन्ना हर्फे नज्ब है तो कुम अटैच प्रोनाउन जो है वो भी क्या हो गया, अटैच हर्फे नज्ब से अटैच होने की वजह से नज्ब स्टेटस में चला गया। अब हम नहीं कहेंगे कि नज्ब या जर, अब हम कहेंगे नज्ब ही है, क्योंकि हर्फ ये जो जमीर है मुत्तसिल होते हैं, ये अपनी सोहबत, अपनी कंपनी, अपने दोस्तों के जिनके साथ बैठते हैं ये उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, तो हर्फे नज्ब के साथ बैठेंगे तो नज्ब हो जाएंगे, हर्फे जर के साथ बैठेंगे तो जर हो जाएंगे, इस्म के साथ बैठ के इदाफत कर लेते हैं तो जर बन जाते हैं, मुदाफिले बन के, और फेल के साथ जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, फेल के साथ जो अब जुड़ते हैं तो डिटेल देते हैं तो नज्म में चले जाते हैं। तो इस तरीके से तीन हम पढ़ाए हैं, एक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो तीन क्या पढ़ा हमने, हर्फ नज्म के साथ नज्म, हर्फ जर के साथ जर में हो जाएंगे, और इस्म के साथ जर में हो जाएंगे। अब बच गया क्या, फेल बच गया, तो और क्या बच गया, नज्म बच गया, तो फेल के साथ नज्म हो जाएंगे, तो दो नज्म है, दो जर है, ठीक है। ये हमने इतना अब तक पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं आज के लेसन, आज के चैप्टर की तरफ।
और वो क्या है, मौसूफ सिफा, मौसूफ सिफत, एडजेक्टिवल कंपाउंड, मुरक्कबे तौसीफी। पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं तो बात एकदम समझ में आती चली जाएगी। देखिए जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में गुड गर्ल, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट, है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड गर्ल, और उर्दू में हम कहते हैं अच्छी लड़की, प्यारे बच्चे। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम, बच्चे तो हैं लेकिन कैसे, आपने कहा प्यारे, आप कह रहे स्टूडेंट्स तो हैं बट कैसे हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। फिर उसी तरह से लड़की तो है लेकिन कैसी है, अच्छी है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। वो लड़की नहीं है, सिर्फ लड़की नहीं बल्कि बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तो बस इसी को मौसूफ सिफत कहते हैं। तो जो क्वालिटीज आप बताते हैं, जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताते हैं, जो उसकी सिफात बताते हैं, उसी कंपाउंड को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी लड़की, प्यारे बच्चे, गुड स्टूडेंट्स, बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, बिग कार। और इसी तरह से हम उर्दू में भी एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, बड़ा घर, छोटी कार, अच्छे बच्चे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, उर्दू और इंग्लिश में। इंशाल्लाह अब हम अरबिक में सीखते हैं, उर्दू और इंग्लिश में तो हम जनरली यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मौसूफ सिफा की जानिब। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मौसूफ सिफा, एडजेक्टिवल कंपाउंड। आप इसको एडजेक्टिवल कंपाउंड कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप एडजेक्टिव बताते हैं। अब एडजेक्टिव क्या बोला है, एडजेक्टिव कहा जाता है सिफत को, एडजेक्टिव कहा जाता है कोई नाम, किसी चीज, किसी जगह या किसी भी नाउन, इस्म की खूबी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बात यूं होती है कि जब हम अरबी पढ़ना सीखते हैं तो हम उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू भी सीख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अरबी जबान की वसत है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी नाम के बारे में, किसी भी जगह, किसी भी नाम के बारे में कोई क्वालिटी बताना, कोई सिफत बताना, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने कहा ना गुड गर्ल, तो गुड क्या एडजेक्टिव है, बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट जो है एडजेक्टिव है। नाउ कम टू द पॉइंट, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। द एडजेक्टिव इज कॉल्ड सिफा एंड द नाउन इज कॉल्ड मौसूफ। यानी जो हमारा नाउन होता है उसको हम मौसूफ कहते हैं, यानी जो इस्म होता है उसको मौसूफ कहते हैं, और जो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, जो उसकी खूबी बताई जा रही है, तो वो उसकी सिफत है, ठीक है। मुरक्कबे तौसीफी दो हिस्सों से मिलकर बनता है, यानी इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मौसूफ और दूसरा पार्ट है सिफत, जिस तरह से हमने देखा था मुरक्कबे इदाफी। मुरक्कबे इदाफी में हमने देखा मुदाफ, मुदाफ इले, पहला पार्ट है मुदाफ, दूसरा पार्ट है मुदाफ इले। उसी तरह हमने देखा कि हर्फ जर जो है जार, और उसका जो दूसरा पार्ट था मजरूर, तो जार मजरूर, मुदाफ मुदाफिले, जार मजरूर। उसी तरह से इन्ना और उसकी इस्म, अन्ना और उसकी इस्म, यानी हर्फ नज़्ब और उसकी इस्म, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर उसके कॉम्पोनेंट क्या है, मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत। इंशाल्लाह अभी हम पढ़ते जाएंगे तो बात क्लियर होती जाएगी। पहला कंपोनेंट है मौसूफ, जो पहले लिखा जाता है, जो दूसरा लिखा जाता है उसको सिफत हम कहते हैं। जिस तरह उर्दू में इस्म और इसकी खूबियां होती हैं, उसी तरह अरबी में भी इस्म की सिफात होती हैं। उर्दू में खूबी कह लो और अरबी में सिफत कह लो, एक ही बात है, या फिर इंग्लिश में एडजेक्टिव कह लो। तो सिफत, खूबी और क्या और एडजेक्टिव, एक ही बात है। मौसूफ सिफत कहा जाता है इस कॉम्पोनेंट को, दोनों एक कॉम्पोनेंट्स को, पहले को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहा जाता है। यहाँ इस्म को मौसूफ कहते हैं और उसकी खूबी को सिफत कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हमने सीखा, कि इसका नाम क्या है। पहला नाम है इसका, पहले वर्ड का नाम है मौसूफ, दूसरे वर्ड का नाम है सिफत। और मौसूफ कहा जाता है नाउन को, जो भी चीज है उसको, और जो उसकी खूबी बताई जा रही है उसको सिफत कहा जाता है। Both mausuf and sifa are ism. Allahu Akbar. बहुत दिन बाद ये पीछे पड़ा हमारे। जैसे ही हम इस्म कहते हैं तो हमें एक चीज याद आना चाहिए, और वो चीज क्या है, वो वही चीज है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी शुरू में, SNGT,
स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, जहां इस्म सुने तो आपको चार हाथ पैर आगे बढ़ा देने हैं उसके, यानी उसका स्टेटस, उसका नंबर, उसका जेंडर और उसका टाइप, यानी उसका स्टेटस यानी एराब, उसका नंबर यानी उसका आदत, और उसकी जींस यानी उसके उसका जेंडर यानी उसकी जींस, और उसकी वुसत दैट इज टाइप। तो ये चारों चीजें इस्म बोलते ही होना चाहिए। और उससे भी एक्स्ट्रा चीज तो ये कि दोनों ही इस्म है, मौसूफ भी इस्म है और सिफत भी इस्म है, इसका मतलब दोनों का अपना अपना एस एन जी टी होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मुदाफ मुदाफ इले, दोनों ही इस्म होते हैं, इसी तरह से मौसूफ और सिफत दोनों ही इस्म होते हैं। और जब इस्म है इसका मतलब मौसूफ का अपना एस एन जी टी होगा, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप यानी जींस अदद वसत और उसका अदद, उसी तरह से सिफत का भी अपना स्टेटस नंबर जेंडर टाइप होगा, दोनों का अपना अपना। ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट, चारों हाथ पैर है दोनों के, दोनों अपने अपने पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, मौसूफ और सिफत, और दूसरा पॉइंट क्या था कि मौसूफ नाउन को कहा जाता है, इस्म को कहा जाता है, और उसकी क्वालिटी को सिफत कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि इन दोनों के अपने 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 एस एन जी टी हैं, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप हैं, इन दोनों की अपनी अपनी चारों प्रॉपर्टीज हैं, चारों क्वालिटीज हैं, एराब, जिंस, अदद और वुसअत। चौथा पॉइंट, जब मौसूफ और सिफत दोनों की चारों खसूसियात एराब, जिंस, अदद और वुसअत एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलते होंगे तो उसे हम मुरक्कब तौसीफी कहते हैं, और ये सबसे ईजीएस्ट कंपाउंड है, सबसे ईजीएस्ट मुरक्कब है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, मौसूफ एंड सिफा एडजेक्टिव एडजेक्टिवल कंपाउंड व्हेन टू टू वर्ड्स हैव ऑल द फोर प्रॉपर्टीज, ऑल द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एस एन जी टी, व्हाइल वन इज डिस्क्राइबिंग द अदर एंड ऑल देयर प्रॉपर्टीज मैचेस, देन वी कैन लेबल देम एज मौसूफ सिफा एडजेक्टिवल कंपाउंड। यानी इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बयान हो रही है, इसकी तारीफ बयान की जा रही है। क्या तारीफ है इसकी, यानी इसकी डेफिनेशन कि जब एकदम सिंपल सी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं लोकल लैंग्वेज में, जुड़वा बच्चे, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा जिस तरह से होते हैं बच्चे, आइडेंटिकल, वो भी आइडेंटिकल है ना, मोनोजाइगोटिक, जो बिल्कुल हूबहू दिखने में एक जैसे हों, उसे हम मौसूफ सिफत कहेंगे। अब देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी बात। क्या कहा हमने, मौसूफ सिफत सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस, तो ट्विंस आपके जहन में आना चाहिए। ठीक है, अब देखें क्या है डेफिनेशन, कि जब मौसूफ और सिफत उसके दोनों के एस एन जी टी, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते होंगे, तब वो क्या बन जाएंगे, मौसूफ सिफत बन जाएंगे। यानी अगर उसका स्टेटस रफा है तो उसका भी रफा हो जाएगा, उसका जर तो इसका भी जर, उसका नस्ब तो इसका भी नस्ब। ठीक है, उसकी उसी तरह से नंबर, अगर ये सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, वो ड्यूअल तो वो भी ड्यूअल, वो प्लूरल तो वो भी प्लूरल। ठीक है, तो यानी स्टेटस मैच हुआ तो उसका भी, मुसिफत का भी स्टेटस सेम होना चाहिए। अगर नंबर मैच, नंबर हम देखें तो दोनों के पास सेम नंबर होना चाहिए, डुअल है तो डुअल, प्लूरल है तो प्लूरल, जमा है तो जमा, वाहिद है तो वाहिद, मुस्तन्ना है तो मुसन्ना। फिर उसी तरह से वुसअत, अगर ये मारिफा है मौसूफ तो सिफत को भी मारिफा होना पड़ेगा, मौसूफ नकिरा तो ये भी नकिरा, यानी कॉमन है तो कॉमन, प्रॉपर है तो प्रॉपर। अब रह क्या गया हमारे पास, स्टेटस नंबर जेंडर, अगर मौसूफ मेल है तो सिफत भी मेल होगी, अगर मौसूफ फीमेल है तो सिफत भी फीमेल होगी। जैसे कि हम उर्दू में भी कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो आप लड़के के लिए तो अच्छा कह रहे हैं लेकिन लड़की के लिए तो अच्छी कह रहे हैं, तो आपने क्या किया उस क्वालिटी के भी जेंडर को चेंज कर दिया। इंग्लिश में वो रेयरली मिलता है हम लोगों को, उर्दू में तो भी थोड़ी सी बात समझ आ जाती है, इंग्लिश में तो हम गुड गर्ल तो गुड बॉय, हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, लेकिन उर्दू में थोड़ा बहुत हो जाता है। और सबसे ज्यादा डिफरेंस आप कर सकते हैं अरबिक में, ठीक है, इसीलिए ये सबसे वुसत वाली जबान है।
क्योंकि आप देखते ही किसी भी वर्ड को, जैसे कि हमने देखा था जब हम पहले ही लेसन में देख रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं पता था, यानी ना मीनिंग पता है ना कुछ पता है, लेकिन हमें ये पता था कि कितने लोग हैं, कौन सा स्टेटस है उनका, वो रफा है, नज्ब है, जर है, वो एक है, दो है, जमा है, प्लूरल सिंगुलर है, फीमेल है, मेल है, सब पता चल गया था आप लोगों को, है ना, खास है, आम है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक अकेला वर्ड दे रहा होता है अरबी जबान में। तो ये अपने अंदर एक एक जुदा जुदा हिस्ट्री और केमिस्ट्री पूरा समंदर रखता है एक एक वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन देखी कि मौसूफ और सिफत हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होंगे, यानी जुड़वा भाइयों या जुड़वा बहनों की तरह होंगे। अगर बहन है तो बहन ही होगी, उसके साथ भाई नहीं आ, क्योंकि कभी कभी जुड़वा भाई के साथ बहन भी होती है ना, ऐसा नहीं है, इनके बिल्कुल पक्के वाले जुड़वा हैं ये। बहन है तो बहन दोनों जुड़वा होंगी, भाई है तो दोनों भाई जुड़वा होंगे। तो SNGT जो मौसूफ का होगा वही सिफत का होगा। अब हम आते थोड़ा सा जो इंग्लिश से डिफर करता है, थोड़ा सा जो इंग्लिश से ये दाएं बाएं होता है कंपाउंड, वो क्या डिफरेंस है। तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़े से हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, वैसे अगर नहीं भी आप सीखे तो हमें खैर, अरबी वाला सीखना है, इंग्लिश वाला तो नहीं सीखना है, लेकिन सुन लेने में क्या जाता है, ठीक है। मौसूफ और सिफत तमाम खसूसियात के लिए एक दूसरे पर मुनसिर है। तमाम खसूसियात यानी SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, एराब, अदद, जिन्स और वुसत, सबके लिए एक दूसरे पर मुनसिर है, सब एक जैसे होना चाहिए। ये तो उर्दू का छोटा सा प्यारा सा जुमला था। अब हम इंग्लिश के थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं, ये अरबी से किस तरह मुख्तलिफ है, हाउ इट डिफर फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश में कैसा होता है और अरबी में क्या होता है। नाउन एंड एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जानते हैं कि नाउन अलग चीज होती है, हमने पढ़ा था जब पहला लेसन लिया था कि इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 8 अलग अलग कलिमे हैं, और अरबी में सिर्फ 3 कलिमा है, इस्म, फेल, हर्फ, और हमने इंग्लिश में देखा था 8 कलिमे हैं। तो मौसूफ अलग कलिमा है और सिफत अलग कलिमा है, किसमें, इंग्लिश में, लेकिन चूंकि ये अरबी में दोनों इस्म है तो दोनों एक ही कलिमा हो गए, दोनों ही इस्म हो गए तो एक ही कलिमा है, और इंग्लिश में एडजेक्टिव अलग चीज होती है और नाउन अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कलिमा है इंग्लिश में, लेकिन हमारी अरबी में आसानी है, दोनों ही इस्म है, इसीलिए दोनों का अपना SNGT है। फिर दूसरा पॉइंट, द एडजेक्टिव इज इनडिपेंडेंट ऑफ द जेंडर, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, यानी के जो आपका एडजेक्टिव होता है उसको जेंडर की जरूरत नहीं होती इंग्लिश में, लेकिन आपको अरबी में जेंडर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमने उर्दू में एग्जाम्पल दिया था, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो लड़का तो अच्छा है लेकिन लड़की अच्छी है, ठीक है। आप जब कहते हैं बड़ी कार, बड़ा घर, तो घर घर बड़ा है लेकिन कार बड़ी है, जेंडर चेंज हो गया ना, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, गुड गर्ल, गुड बॉय, ठीक है, टॉल गर्ल, टॉल बॉय, तो दोनों ही में, दोनों जेंडर में सेम ही सिफत लगती है, सेम, ठीक है, इसमें जेंडर चेंज नहीं होता सिफत का, ठीक है। द एडजेक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉयज, यानी उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता सिफत को, यानी उसकी क्वालिटी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे कितने लोग खड़े हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट कहा, बॉय कहा, और लेकिन बॉयज कहना है तब भी आप स्मार्ट बॉय कहेंगे, आप यूं नहीं कहते ना स्मार्ट बॉयज, ऐसा कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो गुड्स, गर्ल्स, ऐसे नहीं कहते ना, गुड गर्ल, चाहे आप गुड गर्ल कहें या गुड गर्ल्स कहें, लेकिन आपको गुड ही कहना पड़ेगा, आप गुड्स नहीं कहेंगे, ठीक है, गुड्स कहेंगे तो वो किसी और उसमें सेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ना जेंडर और ना ही नंबर मैटर करता है इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, खैर ये सिर्फ आपको बताने के लिए डिफरेंशिएशन बता दिया है। तो इससे बात असल में हमें जाना है अरबिक की तरफ, क्या है अरबिक के लिए हमारे पॉइंट, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम इसका बरक्स अरबी वाला निकाल लेते हैं। क्या होगा कि नाउन एंड एडजेक्टिव आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आ जाते हैं अरबी की तरफ, नाउन एंड एडजेक्टिव
सिफत और मौसूफ दोनों एक ही कलिमा हैं, दोनों इस्म हैं। दूसरा पॉइंट, द एडजेक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जेंडर। इंग्लिश में कहा जा रहा है कि उसको जेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम अरबी में बना लेते हैं अपना। अरबी में हमेशा जेंडर के मुताबिक, जिंस के मुताबिक जो होगा वो वर्ड होगा, जो भी उसका नाउन है। उसी तरह से एडजेक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर, तो उसका अरबी में हम बना लें, हमेशा जो भी नंबर होगा मौसूफ का वही सिफत का होगा, जो भी जेंडर होगा जींस होगी मौसूफ की वही सिफत की होगी। उसी तरह से जो भी नंबर, जो भी जेंडर, जो भी टाइप, जो भी एराब, ठीक है, मौसूफ सिफत दोनों मिलते जुलते, जुड़वा भाई जुड़वा बहने, ठीक है। तो ये अगर नहीं समझ आई ये बात तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश के बारे में, हम आ रहे हैं अरबिक वाले पर। चलो क्या पॉइंट है, उर्दू में पहले सिफत लिखी जाती है फिर मौसूफ लिखा जाता है, मसलन खूबसूरत किताब, लेकिन अरबी में पहले मौसूफ लिखा जाता है फिर सिफत लिखी जाती है, जैसे किताब खूबसूरत। अब हम कहेंगे कि भाई हम तो अपनी अपनी लैंग्वेज की तरह लिखेंगे, क्यों भाई ये हमारी लैंग्वेज है, नहीं यार अरबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हम अजमी लोग हैं तो हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे जो जो अहले अरब हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, अहले जबान है, जो हमने उनसे अडॉप्ट किया तो हम उसी की तरह बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अरब आकर कहेगा कि लड़का खूबसूरत, तो हम कहेंगे भाई करेक्शन करो क्योंकि हमारी जबान ऐसी नहीं है, उसी तरह वो हम उनके जगह पर जाकर कहेंगे खूबसूरत लड़का, तो वो कहेंगे करेक्शन करो लड़का खूबसूरत, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि जो जिसकी जबान है वो उसका ग्रामर बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी है, उसी तरह से उर्दू में भी है, एडजेक्टिव कम फर्स्ट देन कम्स नाउन, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल बुक, और आप अरबिक में क्या कहेंगे, बुक ब्यूटिफुल, बुक ब्यूटिफुल। सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू से बुक ब्यूटिफुल इन अरबिक इन ऑर्डर टू मीन ब्यूटिफुल बुक, ठीक है। आप खूबसूरत किताब को किताब खूबसूरत कहेंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी उल्टा है, और हम अरबिक में, असल में अरबिक में उल्टा है, हम अपनी जबान को उल्टा क्यों कहें, तो ना इंग्लिश में ना उर्दू में सीधा है और अरबी में हम उल्टा पढ़ेंगे। चले ठीक है, इंशाल्लाह। हम अब तक क्या पॉइंट्स पढ़ाए हैं, हमने चार पॉइंट पढ़े, क्या क्या पॉइंट था, सबसे पहले इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से, मौसूफ और सिफत। दूसरी बात, ये मौसूफ हमेशा नाउन होता है और जिसकी खूबी होती है उसको सिफत कहा जाता है। तीसरी बात के जब भी, इसकी डेफिनेशन है तीसरी जो है वो क्या है, कि जब भी मौसूफ का एसएनजीटी स्टेटस नंबर जेंडर टाइप एराब मुसद जिंस और जो उसका आदद है, जब मौसूफ का एसएनजीटी मैच कर जाए बिल्कुल हूबहू सिफत से, तो वो मौसूफ सिफत तो मुरक्कब तौसीफी बन जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कि जब हम अरबी में लिखेंगे तो हम पहले मौसूफ लिखेंगे बाद में सिफत लिखेंगे, क्योंकि ऐसा इंग्लिश और उर्दू में नहीं होता, लेकिन हम अरबी पढ़ रहे हैं तो हम अरबी के मुताबिक सिफत को बाद में लिखेंगे, जैसे कि किताब खूबसूरत, इंस्टेड ऑफ खूबसूरत किताब हम कहेंगे किताब खूबसूरत अहले जबान की तरह, ठीक है। ये चार पॉइंट हुए। पांचवा पॉइंट, एक मौसूफ की एक से ज्यादा सिफत भी हो सकती है, तो हम ऐसा तो इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी होता है कि एक मौसूफ की एक से ज्यादा सिफत हो सकती है, यानी एक से ज्यादा क्वालिटी हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लें, खूबसूरत बड़ी किताब, ठीक है, खूबसूरत बड़ी किताब, दो दो चीजें बताई जा रही है, खूबसूरत भी है और बड़ी भी है, किताब किताब खाली किताब भी थी काफी थी, खूबसूरत बड़ी उम्दा किताब, ठीक है, आपने तीन क्वालिटी लगा दी, खूबसूरत बड़ी काली किताब पीली किताब, तो आपने चार क्वालिटीज लगा दी, तो क्वालिटीज आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एक से ज्यादा हरफे जर के विक्टिम हो सकते हैं, है ना, पढ़ लिया था हमने। उसी तरह से हमने पढ़ा था एक से ज्यादा मुदाफिले भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मिनल जिन्नति वन्नास, मिन हरफे जर है
और उसके दो दो क्या बन रहे हैं, मजरूर बन रहे हैं, जिन्नती वन्नास, मिनल जिन्नती वन्नास, वन्नासी, ठीक है। उसी तरह मुदाफ मुदाफ इलेह का भी होता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अब हम यहाँ पर आए हैं किसकी जानिब, मौसूफ सिफत की जानिब। तो मौसूफ सिफत के भी बहुत सारी सिफतें हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट, जमा मुकसर को मोनस कंसीडर करेंगे, जमा मुकसर को मोनस माना जाएगा, तो इसकी सिफत भी मोनस होगी। यानी पहला पॉइंट क्या है, देयर कुड बी अ मल्टीपल सिफा फॉर अ सिंगल मौसूफ, सेम लाइक एज नाउन कैन हैव मल्टीपल एडजेक्टिव। बिग ओल्ड बुक, बिग ओल्ड बुक, आप कह रहे हैं बिग, वो भी उसकी क्वालिटी है, सिफत है। ओल्ड कह रहे हैं, वो भी उसकी सिफत है। तो दो दो क्वालिटी लगाई आपने बुक की। आप कह रहे हैं बिग ओल्ड येलो बुक, बिग ओल्ड व्हाइट बुक, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसका कलर भी बता रहे हैं, उसका नंबर भी बता रहे, उसके टाइम भी बता रहे कि वो कब की किताब है। तो आपने बहुत सारी सिफात उसकी लगा दी और फिर उस बुक के बारे में डिस्क्राइब किया। तो एक से ज्यादा सिफा हो सकती हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रोकन प्लूरल शुड बी ट्रीटेड लाइक फेमिनिन। हमने पहले भी पढ़ा था, ब्रोकन प्लूरल को हम सिंगुलर फेमिनिन मान के चलते हैं, वाहिद मोनस मान के चलते हैं जमा मुकसर को। हेंस फेमिनिन एडजेक्टिव शुड बी अप्लाइड, जब सिफत फीमेल माना जा रहा है तो उसका भी फीमेल ही आ जाएगा फिर, क्योंकि जुड़वा है। द फॉलोइंग थ्री कलेक्टिव नाउन शुड बी ट्रीटेड एज प्लूरल, वाई, बिकॉज दे द अरब सेड सो। अरबों ने क्या किया, जेनरेशंस कॉम पीपल नास नेशन कर्न, ये तीन एग्जाम्पल को वो क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। जितने भी जमा मुकसर है वो मोनस हो गए जेंडर के मुताबिक, और जो ऐसे हरूफ हैं मंदरजे जेल इसमों को हम जमा मानेंगे क्योंकि अरब उसे जमा मानते हैं, कौम नास और कर्न। कौम नास और कर्न, कौम का मतलब होता है कौम, नास का मतलब होता है पीपल अनास लोग, और कर्न का मतलब होता है बस्ती, ठीक है, बस्ती नेशन। तो ये तीनों को आप प्लूरल मानकर चलेंगे। अब आप कहेंगे कि ये बताने की क्या जरूरत है, ये बताने की अशद जरूरत है। ये इसलिए कि अगर आप इनकी इक्वालिटी बनाने लगे तो आप कहीं सिंगुलर ना लगा दे कर्न, तो हमें तो कहीं ऊना इना अतुना तिन नहीं दिख रहा, तो हम तो इसको सिंगुलर ही मान लेंगे जब तक कि हमें बताया नहीं जाएगा कि कर्न जो है वो प्लूरल है। तो चूंकि ये कर्न प्लूरल है तो इसकी क्वालिटी भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक है। उसी तरह से नास प्लूरल है तो क्वालिटी भी प्लूरल में आएगी, कॉम प्लूरल है तो क्वालिटी भी प्लूरल में आएगी, एडजेक्टिव यानी सिफत भी प्लूरल में आएगी। उसी तरह से अगर आपने उसको जमा मुकसर को मोनस माना है, अगर किसी नाउन को मोनस माना है जमा मुकसर को, तो फिर उसकी क्वालिटी भी जमा मुकसर नाउन आएगी, ठीक है। जमा मुकसर, ये सॉरी, फैमे जमा मुकसर को फेमिनिन माना जाएगा, मोनस माना जाएगा, आई एम सो सॉरी, मोनस माना जाएगा। तो छोटे छोटे तीन पॉइंट हमने देखे, क्या सबसे पहली बात कि इसकी बहुत सारी सिफात भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल सिफात भी हो सकती है। दूसरी पॉइंट, जमा मुकसर को हम फीमेल मान के चलेंगे। तीसरा पॉइंट कि कौम नास और कर्न को जमा मानकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी कौम जो होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कर्न जो होती है उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, और नास तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आ रही है, देखें एग्जाम्पल किसकी है, मौसूफ सिफत की। तो पहले हम देख रहे हैं मौसूफ और उसके बाद है सिफत। मौसूफ अगर हम ले रहे हैं वलदुन, वलदुन, तो आप इसका SNGT पहले निकाल लें। अब इसका SNGT क्या होगा, स्टेटस क्या होगा इसका, वलदुन, वलदुन रफा स्टेटस में है, दमतैन आ रहा है, दो पेश आ रहे तो उसे पता चल गया रफा में। फिर इसका नंबर क्या है, ये सिंगुलर है क्योंकि आनी आईनी
आतो नाते ऊना इना नहीं आया है, और ना ही हमने आपको बताया कि ब्रोकन प्लूरल है, इसका मतलब ये जमा मुकस्सर, सॉरी जमा मुकस्सर भी नहीं हो सकता और कोई जमा भी नहीं हो सकता, बल्कि सिंगुलर होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये मेल है या फीमेल, तो फीमेल की कोई भी साइन हमें इसमें नहीं मिलती, ना गूलता, ना अलिफ हमजा, ना अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा भी नहीं है, ना ये किसी जगह का नाम है, ना ये किसी शख्स का नाम है। सारा जो लिटमस टेस्ट था फीमेल वाला वो गुजर गया। ठीक है, अब हम देखें वलदुन रफा, रफा हो गया, फिर सिंगुलर वाहिद हो गया, फिर ये मैस्कुलिन हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें जो हमारे नजरों से गुजरी हैं फीमेल की वो इसमें नहीं पाई जा रही है, मैस्कुलिन हो गया, मुजक्कर हो गया। फिर हम आते हैं कि ये नकिरा है या मारिफा है, कॉमन है या प्रॉपर है, तो ये कॉमन है क्योंकि अल नहीं आ रहा या किसी खास की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। तो आपको ये इसकी चारों चीजें पता चल गई, रफा सिंगुलर वाहिद, मैस्कुलिन यानी मुजक्कर, और नकिरा यानी कि कॉमन। अब अगर आप इसकी सिफत लगाएंगे तो सिफत शुड बी लुक अलाइक, सिफत शुड बी आइडेंटिकल मेल, आइडेंटिकल जुड़वा बच्चा, जुड़वा लड़का होना चाहिए। तो वलदुन, ठीक है, उसका आपको चारों चीजें पता चल गई। तो अगर आप उसको कह रहे हैं खूबसूरत लड़का आपको बनाना है, तो आप खूबसूरत के लिए वर्ड मिलता है हमको जमील, जमील, ठीक है। तो अब जमील के ऊपर कौन सी किस्म की वो लगाएं हरकात जिससे ये चारों चीजें आ जाए। तो जमील को हम पहले बॉन्ड जैसे होता है वैसे ही देख लेते हैं, जमीलुन। तो जमीलुन से रफा हो गया, चलें रफा तो मैच हो गया, क्या ये सिंगुलर है जमीलुन? और करें, आनी आईनी नहीं आ रहा, उना इना नहीं आ रहा, आतुन आतिन नहीं आ रहा है, जमा मुकसर भी नहीं है, तो इसका मतलब सिंगुलर ही होगा। फिर अगर हम गौर करें क्या ये मेल है या फीमेल है, तो गोलता एंड में नहीं आ रहा, कोई साइन नहीं आ रही है फीमेल की, इसका मतलब ये मेल है। फिर हम गौर करें क्या ये नकिरा या मारिफा है, नहीं, कोई अल नहीं लगा हुआ, कोई खास की निशानी नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये नकिरा है। तो अब क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर बन जाएगा वलदुन जमीलुन। अब ये वलदुन जमीलुन लिखा तो है लड़का खूबसूरत, लेकिन जब आप पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज के मुताबिक आप पढ़ेंगे खूबसूरत लड़का, ठीक है, खूबसूरत लड़का, अ हैंडसम बॉय। मौसूफ सिफत, मौसूफ क्या है इसमें वलदुन, सिफत क्या है इसमें जमीलुन। तो वलदुन जमीलुन मौसूफ सिफत यानी के खूबसूरत लड़का, ठीक है। अगर हम गौर करें तो देखिए रफा आ गया, जमील में सिंगुलर भी है, मैस्कुलिन भी है, और मारिफा भी, सॉरी नकिरा भी है। और ये इतना आसान होता है ना कुरान करीम में पहचानना, आप देखते ही पहचान लेते हैं, ये तो दोनों दिखने में बिल्कुल जुड़वा हैं। आप सूरह बकरा की तिलावत शुरू करेंगे, आपको शुरू से मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सवाउन अलैहिम अनजरतुहुम अम लम तुनज़िरुहुम ला युमिनून, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, ठीक है, अज़ाबुन शदीदुन। इस तरीके के हम वर्ड्स बार बार हाँ पढ़ते रहते हैं, और वो देखने में बिल्कुल मिलते जुलते एक दूसरे से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या हो गए, मौसूफ सिफत हो गए। लेकिन जब आप तर्जुमा करेंगे तो अजाबुन अजीमुन, अजाब बड़ा नहीं करते, आप क्या तर्जुमा करते हैं, बड़ा अजाब, क्यों, क्योंकि ये मौसूफ सिफत है, ठीक है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, जुड़वा बनाना है, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता जुड़वा बनाना है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है अल बिंतु जमी, अल बिंतु, पहले अल बिंतु को ले लेते हैं, उसको साइड में रखते हैं अभी। अल बिंतु रफा है क्योंकि ता पर एंड हो रहा है, ता के ऊपर पेश आ रही है, ठीक है, जम्मा। लेकिन हमने आपको कहा है कि पहले पहले स्टेटस देखने से पहले नंबर कंफर्म किया करें, ताकि जो स्टेटस है बिल्कुल प्रॉपरली पक्का पक्का आ जाए, सही सही आ जाए, क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं तो हम सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे। तो अल बिंतु पहले तो ये क्या हो गया, सिंगुलर है, ड्यूअल है, प्लूरल है, तो हम देखते हैं आनी आई नहीं आ रहा है, उना ही ना आ रहा है, आतुन आते ना आ रहा है,
नहीं आ रहा है, ना आनी आई नहीं आ रहा, ना ऊना ही, ना ना अतु नातिन आ रहा है, ना डुअल है, ना प्लूरल है, ना मेल ना फीमेल, तो इसका मतलब क्या होगा? सिंगुलर होगा, वाहिद होगा। चले वाहिद पता चल गया। जैसे ही वाहिद पता चलता है तो आपको वाहिद पता चलते ही आंख बंद करके साइन देखते ही बता देना है। दमा पेश की साइन आ रही है, इसका मतलब तो ये क्या है? रफा है। तो ये वाहिद है, सिंगुलर रफा है। फिर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, अल बिंतु फेमिनिन है, ठीक है? फेमिनिन यहाँ पर मैस्कुलिन लिखा हुआ है बट इट इज फेमिनिन, ठीक है? और ये नकिरा है, मारिफा है, तो हम अगर गौर करें अल की वजह से ये मारिफा हो गया, ये एक्चुअली में दिस वन इज फेमिनिन, दिस वन इज, या हम बाद में देखेंगे, लेकिन दिस वन इज फेमिनिन। तो क्या हुआ? अल बिंतु के ऊपर हमने देखा रफा है, सिंगुलर है, फेमिनिन है, मारिफा है, रफा वाहिद मुअन्नस मारिफा प्रॉपर, ठीक है? मारिफा यानी प्रॉपर। तो ये चार क्वालिटी हमें अल बिंतु की मिल गई। अब आपको कहना है बिंतु का मतलब अगर लड़की है, आपको कहना है खूबसूरत लड़की, और खूबसूरत के लिए वर्ड आता है जमील, जमील। तो जमील को पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? रफा। तो जमील का बन जाता है रफा जमीलुन, जमील का रफा बनता है जमीलुन। अब जमील का रफा जमीलुन बन गया तो आपको दूसरी सिफत की तरफ, दूसरी चीज की तरफ आना है, क्वालिटी की तरफ, कि क्या ये सिंगुलर है जमीलुन? हाँ चले, खैर जमीलुन सिंगुलर है। फिर आप देखते हैं जमीलुन जो है क्या वो फेमिनिन है? नहीं, जमीलुन फेमिनिन नहीं है, तो आप उसको फीमेल बना सकते हैं जमीलतुन गूलता ऐड करके, तो जमीलतुन बनते ही वो फीमेल बन गया। तो जमीलतुन हमें क्या मिल गई? उसकी सिफत मिल गई। लेकिन क्या नकरा है मारिफा? तो अल बिंतु तो मारिफा है, प्रॉपर है अल की वजह से, तो आप क्या करेंगे उसके शुरू में अल लगा देंगे, अल जमीलतु, अल जमीलतु। इसका क्या हुआ मामला कि हमारे पास अल जमीलतु तैयार हो गया, रफा में, वाहिद में, फेमिनिन में यानी के मोनस में, और मारिफा में, खास में। तो क्या अल बिंदु अल जमीलतु को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल यस, और समझूर सकते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएंगे? अल बिंतु जमीलतु। अब जमीलतुन नहीं आएगा, जमीलतु अल की वजह से, अल बिंतु अल जमीलतु, अल बिंतुल जमीलतु। अब आप इसको ट्रांसलेशन करते वक्त लड़की खूबसूरत नहीं करेंगे, क्या तर्जुमा करेंगे? द ब्यूटिफुल गर्ल। द कहाँ से आ गया? ये अल की वजह से। द ब्यूटिफुल गर्ल मौसूफ सिफत है, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, ठीक है? तो आपने एस एन जी टी इसका याद रखना है, याद रखना है इन द सेंस, निकाल लेना है, और फिर बिल्कुल उसकी मिलती जुलती सिफत को बना लेना है। और बाय द वे आप लोगों को बनाने से भी ज्यादा पहचानने की जरूरत है कि कुराने करीब में कहाँ पर आ रही है वो सिफत। तो जहां पर भी आ जाए वो सिफत, तो तर्जुमा आप आगे सिफत वाला पहले करें और फिर बाद में वर्ड का तर्जुमा करें, ठीक है? क्योंकि जनरली जब हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जो पहला वर्ड है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसका तर्जुमा अजाब है, शदीद अजाब है, बड़ा अजाब है तो पहली बात आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये फ्रेगमेंट है, अजाबुन शदीदुन शदीद अजाब, बस बात खत्म हो गई, जुमला पूरा ही नहीं हुआ। शदीदुन अजाब, अजाबुन शदीदुन शदीद अजाब, ठीक है? उस तरीके से अल बिंतु जमीलतु, खूबसूरत लड़की, अल बिंतु अल जमीलतु, ठीक है? खूबसूरत लड़की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे चंद एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल हम एक मरतबा क्विक रिविजन करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने? हमने देखा कि मौसूफ सिफत दो कंपोनेंट है, मुरकबे तौसीफी के एडजेक्टिवल कंपाउंड के दो कंपोनेंट्स है, उसका नाम है मौसूफ, पहले का नाम है मौसूफ, दूसरे का नाम है सिफत। मौसूफ का मतलब होता है कोई भी नाम, किसी चीज किसी जगह का नाम, और उसकी जो सिफत यानी उसकी जो क्वालिटी होती है उसको सिफत कहते हैं, यानी खूबसूरत लड़की। तो ये खूबसूरत क्या है? उसकी सिफत है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी को हम सिफत कहते हैं अरबी जबान में।
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि जो भी मौसूफ सिफत हैं वो दोनों के दोनों मिलते जुलते जुड़वा होंगे, मेल है तो मेल जुड़वा और फीमेल है तो फीमेल ही जुड़वा होंगे, दोनों जुड़वा होंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट क्या देखा था हमने, ये जितने भी मौसूफ सिफत हैं ठीक है वो सारे के सारे इस्म हैं, इसीलिए इनका खूब 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 अपने अपने SNGT होते हैं, अपना अपना उनका SNGT हुआ करता है, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। फिर हमने और दो पॉइंट्स देख लिए थे कि जमा मुकसर ब्रोकन प्लूरल को आप फीमेल कंसीडर करें और कर्न नास कॉम को मेल कंसीडर तलाश करें। ठीक है, मेल सॉरी हाँ जमा मुकसर को आप फीमेल ले लें और कर्न कर्न नास और कर्न नास और व्हाट एल्स कर्न नास और कॉम, कर्न नास और कॉम को आप प्लूरल कंसीडर करेंगे, जमा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट हमने पढ़ लिए और बाद में ले ले दे कर बात इस पर बात पर इख्तिताम होती है कि जो मौसूफ होगा बिल्कुल हूबहू सिफत की तरह मिलता जुलता होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम जरा गौर करते हैं इन तमाम सिफात के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर। हम एक करेंगे फिर बाकी आप सब लोगों ने करना। अस्सिरातल मुस्तकीमा, अस्सिरातल मुस्तकीमा। अब अगर हम गौर करें SNGT पर सिरात के, अस्सिरात सिरात जो है रास्ता है, ठीक है, खैर मीनिंग नहीं भी पता हो तो कोई मसला नहीं। अस्सिरात अस्सिरात जो है ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है क्योंकि आनी आई नहीं उनाई ना कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंगुलर वर्ड है। फिर उसके ठीक है ये सिंगुलर वर्ड है, उसके बाद हमको उसका स्टेटस पता करना होगा। स्टेटस क्या है, असिरौत का स्टेटस सिरौता, सिरौता क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसका स्टेटस नस्ब हो जाएगा। और स्टेटस हो गया, नंबर हो गया, जेंडर जेंडर सिरात नस्ब है, राइट नस्ब है, और जेंडर इसका मेल है क्योंकि कोई भी फीमेल की साइन नहीं दिखाई दे रही है, तो ये नस्ब हो गया, ये फीमेल हो गया। ये खास है या आम है, ये खास है, अल की वजह से ये खास है। इसी तरह अगर हम गौर करें अल-मुस्तकीमा, अल-मुस्तकीमा सिरात अल-मुस्तकीमा, सिरात अल-मुस्तकीमा, ये दोनों क्या है, मौसूफ सिफत, तो सिरात मौसूफ है, मुस्तकीम उसकी सिफत है, यानी नाउन है और मुस्तकीम सिरात अल मुस्तकीम में सिरात अल मुस्तकीम सिरात जो है इसका SNGT क्या है, स्टेटस इसका रफा नस्ब है और नंबर इसका सिंगुलर है, जर स्टेटस नंबर जेंडर, जेंडर सिरात में मैस्कुलिन है, टाइप अल की वजह से ठीक है। इंशाल्लाह अब हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। असुरौत इसका स्टेटस है नस्ब और स्टेटस नंबर है इसका सिंगुलर, जेंडर है इसका मेल और टाइप है इसका खास अल की वजह से प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया। मुस्तकीम भी बिल्कुल इसी की तरह से मिल गया, अल असुरौता अल मुस्तकीमा प्रॉपर है, मुस्तकीमा भी प्रॉपर है। फिर अल मुस्तकीमा में स्टेटस नंबर जेंडर और टाइप असिरातल मुस्तकीमा, सिरातल मुस्तकीमा एडजेक्टिवल कंपाउंड है क्योंकि असिरौता अल मुस्तकीमा बिल्कुल सेम है, वो बहु मिलते जुलते हरकात दोनों की पता है, दोनों ही अल से शुरू हो रहे हैं, तो
ये मौसूफ सिफत है। तो पहले पढ़ते वक्त आप पढ़ेंगे सीधा, अल मुस्तकीम सीधा, फिर आप पढ़ेंगे अस्सिरात रास्ता, पहले आप सीधा पढ़ेंगे फिर रास्ता पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये मौसूफ सिफत है, ठीक है, और हम अपनी लैंग्वेज के मुताबिक इसका तर्जुमा करें। तो जब अपनी लैंग्वेज के मुताबिक करें तो अपनी लैंग्वेज ही का ग्रामर वो रखा जाएगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज के ही मुताबिक ग्रामर से पढ़ा जाएगा। अच्छा लड़का, सीधा रास्ता, अस्सिरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, रास्ता सीधा नहीं कहेंगे, सीधा रास्ता कहेंगे, ठीक है। चले अब हम इंशाल्लाह इसके इजरा, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हैंड रेस कर दीजिए आप लोग।